कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वादिष्ट, टेस्टी और मसालेदार वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी। आप एक बार ये वेजिटेबल खिचड़ी बनाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। आपका कभी भी हल्का फुल्का खाने का मन हो तो ये वेजिटेबल खिचड़ी ज़रूर से बनाकर खाइए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी रेसिपी के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 कप चावल लिए हैं, वो बाउल में डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चावल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप मूंग दाल ली है, वो भी हम बाउल में डाल देंगे। और 4 बड़े चम्मच मैंने अरहर की दाल ली है, वो भी हम बाउल में डाल देंगे। पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको धो के हम साफ कर लेंगे। 2-3 पानी से अच्छी तरह से इसको साफ कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने धो के साफ कर ली है और अभी हम इसको साइड में रखेंगे। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कुकर रखेंगे, 3 कप पानी डाल देंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कैरेट लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है, वो भी हम कुकर में डाल देंगे। 1/2 बाउल मटर लिए है, वो भी हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया है, वो भी हम कुकर में डाल देंगे। थोड़ा सा नमक अभी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अभी हम चावल डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, 1 कप पानी ऊपर से डाल देंगे। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देगी। 4 विसल तक हम इसको पकने देंगे। और यहाँ पे 4 विसल हो चुके हैं, कुकर का ढक्कन खोलेंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अभी हम इसको साइड में रखेंगे। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 1.5 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे। दोनों को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच राई भी डाल देंगे। अच्छी तरह से चटकने देंगे, ऊपर से थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 लौंग ली है और 4 काली मिर्च ली है, वो भी हम डाल देंगे। 2 तेज पत्ता डालेंगे और सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने 5 कलियाँ लहसुन की ली है, उसको मैंने कूट लिया है। और 2 हरी मिर्च ली है, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, वो भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 ऑनियन लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम कढ़ाई में डालेंगे और सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए और फ्राई करते जाइए, अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, उसको भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और चलाते जाएंगे। और यहाँ पे हमारे ऑनियन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और यहाँ में मैंने 1 टमाटर लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और खुले में ही पकाएंगे।
यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अभी हम मसाला डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अभी हम गैस स्लो कर देंगे। और अभी हम इसमें खिचड़ी डालेंगे। सारी खिचड़ी कढ़ाई में डालते जाइए, गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। और खिचड़ी डालते जाएंगे। और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आराम से चलाते जाइए। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अभी हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, ऊपर से आधा नींबू का रस डाल देगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एक चम्मच घी भी डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे हमारी 5 मिनट हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक भी कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।